हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मज़ामात में। तो देखिए, इस सेशन में जैसा कि मैंने पिछली बार आपको बताया था पिछली वीडियो में, कि इस सेशन में हम लोग म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझिए कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट होता क्या है। यानी कि मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। समझिए, मान लो आपके पास कोई भी दो इवेंट दिया हुआ है, एक इवेंट पी आपके पास और एक इवेंट आपके पास क्यू है। इवेंट पी आपसे कहता है कुछ भी, मान लो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि एक कॉइन को टॉस किया, मैंने कॉइन टॉस किया, मैंने एक कॉइन, बात को समझो। यानी मेरे जो सैम्पल स्पेस बनेंगे वो क्या होगा, तो या हेड होगा या फिर टेल होगा। अब देखो, मैं आपसे, हमारा जो इवेंट पी है वो क्या है, हमारा इवेंट पी हमसे कहता है कि आउटकम जो होगा, मैं सीधे लिखता हूँ कि आउटकम हमारा एक हेड होना चाहिए, और क्यू इवेंट कहता है कि हमारा आउटकम जो है हमारा एक टेल होना चाहिए। अब देखिए, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो होते हैं वो आपसे कहते हैं कि, यानी जो दो इवेंट होते हैं ना आपके पी और इंटरसेक्शन क्यू, जब आपके पास दो इवेंट दिए हो यहाँ पे, इनका इंटरसेक्शन आपका फाई आना चाहिए। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी होगी आपके पास इन दो इवेंट्स की वो कितनी होनी चाहिए आपकी, जीरो। यानी ये आपके होते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट। देखिए, इसके लिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको क्वेश्चन से समझाता हूँ कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट होता क्या है। देखिए, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन आ गया है। यानी क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि हमारे पास 5 ग्रीन बॉल है और 7 ब्लैक बॉल दी हुई है हमें। तो और ये भी देखिए, अब रिप्लेसमेंट दिया हुआ है। यानी अब मैं यहाँ पे आपको फ़र्क बताने वाला हूँ कि इंडिपेंडेंट इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में फ़र्क क्या होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो होते हैं जिनके अंदर आपका दो कोई भी इवेंट ऐसे हो जिनका इंटरसेक्शन आपका फाई होना चाहिए, और इंडिपेंडेंट वो इवेंट होते हैं कि एक के बाद जो दूसरा होता है उस पर डिपेंड ना करे। तो देखिए, यानी जब आपके पास दो बॉल्स निकली हैं, यहाँ पे देखिए आउटकम आपको दो बॉल निकाली गई है, तो सैम्पल स्पेस क्या बन सकते हैं आपके, क्या पता आपके पास पहली बॉल ग्रीन हो और दूसरी भी ग्रीन आ जाए, या फिर ग्रीन ब्लैक हो जाए, या ब्लैक ग्रीन हो जाए, या फिर ब्लैक और ब्लैक हो जाए। देखिए, ये तो आपके पास आउटकम हो सकते हैं। तो समझिए, देखिए मैं आपको दोनों बताता हूँ यहाँ पर। यानी यहाँ मैं बताने वाला आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं आपके, और ये देखिए यहाँ पर मैं बताने वाला आपको इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं। दोनों बातों में फ़र्क समझिए अब आप, क्योंकि स्टूडेंट्स को इन दो चीज़ों में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं और इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं आपके। देखिए, मान लो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि मैं एक इवेंट मान लेता हूँ अपना ए इवेंट, और एक इवेंट में मान लेता हूँ पर मैं बी, यहाँ पर मैं एक इवेंट मान लेता हूँ अपना पी, और एक इवेंट मान लेता हूँ अपना मैं क्यू। तो देखिए, हम इवेंट ए को लेके चलते हैं क्या, कि जो हमारी दोनों बॉल्स होगी, यानी कि बोथ बॉल्स आर ग्रीन। हम मान के चलते हैं कि हमारी दोनों बॉल ग्रीन होगी, यानी कि जो हमारा इवेंट होगा वो क्या होगा, जी और जी। और हम इवेंट बी लेते हैं कि बोथ बॉल्स आर ब्लैक। तो देखिए, बात को समझिए, यानी कि आपके पास दोनों की दोनों बॉल्स यहाँ पर ग्रीन है, और यहाँ पर आपकी दोनों की दोनों बॉल्स जो आपके पास ब्लैक है। यानी कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, क्या वो इसकी प्रोबेबिलिटी से मैच करती है। तो अब देखिए, यानी कि जो इवेंट ए है आपका, इसके अंदर दोनों बॉल आपकी ग्रीन है, और इवेंट बी इसमें दोनों बॉल आपकी ब्लैक है। तो इसमें यदि हम ए इंटरेक्शन बी निकालते हैं अपना, यानी हमारे पास कुछ कॉमन आता है, कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास दोनों बॉल ग्रीन है और यहाँ पे दोनों बॉल ब्लैक है, तो आपका जो इवेंट आता है यानी वो फाई आता है ए इंटरेक्शन बी, यदि आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो हमें क्या मिलता है आपको, देखिए यानी आपको मिलता है जीरो। ऐसे ही मैं अपने दो इवेंट और मानता हूँ इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए, यानी पी मैं मान लेता हूँ कि जो मेरी फर्स्ट बॉल थी, यानी कि फर्स्ट ड्रॉन बॉल, हम मान लेते हैं कि हमारी ब्लैक थी, और जो हमारी सेकंड ड्रॉन बॉल होगा, मान लेते हैं कि सेकंड ड्रॉन बॉल इज, हम मान लेते ग्रीन हमारी। तो देखिए,
अब हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट की बात करते हैं, यानी कि हमें बोल रहे हो कि फर्स्ट ड्रॉन बोर्न इज ब्लैक, पी में और क्यू में दिया हुआ है। अब देखिए, यानी हम जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इस चीज़ की, और हमें क्वेश्चन में गौर से देखिए, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विद, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है विद रिप्लेसमेंट, यानी कि जब आप फर्स्ट बॉल ब्लैक निकाल रहे हो, यानी कि ब्लैक बॉल निकालने की प्रॉपर्टी आपके पास क्या होगी। देखिए टोटल बॉल आपके पास कितनी है, यहाँ पर टोटल हमने बोला कि हमारे पास 5 ग्रीन और 7 ब्लैक है, यानी टोटल हमारे पास 12 बॉल्स हैं। और सबसे पहले जब मैंने ब्लैक बॉल निकाले तो मेरे पास ब्लैक कितनी थी, 7 थी, ठीक है। और आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या इसको ऐसे ना लिख के आप लिख सकते हो कि 7 में से मैंने एक ब्लैक को निकाला और 12 में से मैंने एक बॉल निकाली। फिर मैंने इवेंट दूसरा, यानी कि क्या, क्यू, जब मैंने बॉल को देखी, मैंने वापस डाल दिया अपने अर्न के अंदर, तो बॉल मेरी फिर से वापस 12 हो जाएंगी, और मैं उसमें से फिर से मैं 1 बॉल निकाल रहा हूँ, यानी 12C1 होगा मेरा। अब की बार मैंने बॉल निकाली ग्रीन, यानी वो क्या होगा मेरा, 5 बॉल 5C1 होगा। तो ये देखिए आप यहाँ पर कि आपने इवेंट को क्या किया, आपने अपने बॉल को क्या किया कि रिप्लेस कर दिया है। आपने जब अपने बॉल को रिप्लेस कर दिया है तो क्या जो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी आएगी आपकी, यानी ये वाली, कैसे कुछ फ़र्क डालेगी, बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखिए आपके पास जो फॉर्मूला था वो ये था कि जब भी आपकी प्रोबेबिलिटी हो रही थी, यानी ई इंटरसेक्शन एफ जो था आपका क्या था इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए, पी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कौन सा इवेंट हो रहा है आपके पास, एफ पर, यानी कब, जब ई आपका ऑलरेडी हो चुका है, यानी जब ये इवेंट आपके पास हो रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई, ये इवेंट जब ई के होने के बाद हो रहा है, क्या इस इवेंट की कोई फ़र्क पड़ता है इवेंट ई पर इवेंट एफ के होने का, नहीं बिल्कुल। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, जो टोटल बॉल्स थी आपके पास 12 थी, टोटल आर्री के अंदर 12 बॉल थी, और आपने एक बॉल को निकाला, वो आपकी पहली बॉल हमने माना ब्लैक थी, और उसको फिर से वापस डाल दिया, तो बैक के अंदर टोटल बॉल्स आपकी जो हैं वापस से 12 हो जाती है, जिसके कारण आपके क्या जो इवेंट पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि मान लो आपकी बॉल वापस हो गई है 12, देखिए, तो यदि ये पूरी 12 बॉल हो जाती है आपकी, और उसमें से आप एक बॉल निकालते हो 5, तो ये प्रोबेबिलिटी आपकी चीज़ की आती है, ये आती है आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई, जब आपका इवेंट डिपेंड कर रहा है किस पर, इवेंट ई के होने के बाद कर रहा है। और सोचो यदि मान लो सेम इवेंट, यानी कि मैं आपका इवेंट सेम लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालता हूँ मैं, कि फ्रेश रूप से निकालता हूँ, कि मैंने माना कि मेरा इवेंट एफ मेरा पहला हो रहा है, तो क्या होगा उस वक्त, अर्न के अंदर मेरे टोटल 12 बॉल्स हैं, और 12 बॉल्स के अंदर से मैं फिर से वही क्या ग्रीन बॉल निकाल रहा हूँ, ग्रीन मेरी बॉल कितनी है, 5 है। यदि मैं यहाँ से निकालता हूँ तो मेरा पी ऑफ एफ क्या आता है, 5/12 आता है, यानी कि इसके से पता चलता है कि मेरा पी ऑफ एफ बाय ई इक्वल आता है मेरा किसके, पी ऑफ एफ के, यहाँ से आप देख सकते हो। और आप जानते हो कि जब भी आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं तो क्या होता है कि पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो होता है आपका इक्वल होता है किसके, पी ऑफ ई डॉट पी ऑफ एफ के होता है। और यही तो वही तो केस हो रहा है यहाँ पे, कि जब ये दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा कि पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आपका इसके इक्वल आता है। यानी कि अब आप देख सकते हो कि आपका ये इवेंट जो है यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो जाता है, यानी ये वाला केस आपका इंडिपेंडेंट केस है, और ये वाला केस आप देख सकते हो ये कैसा केस आपके पास, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव केस है। यानी कि आप देखिए, मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज़ें बता दी। यदि अब भी आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कहां पर इसमें डाउट आया है। आइए अब कुछ देखते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस, यानी हम ये एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल मैंने अपने पिछले सेशन में भी कराया था, उस सेशन में मैंने इसको इंडिपेंडेंट प्रूफ किया था इस, और यहां पर मैं इस सेशन में आपको मैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट दोनों प्रूफ करके दिखाता हूँ कैसे। देखिए अब मेरे पास एक डाई है यहाँ पर, तो सैम्पल स्पेस जो बनेंगे मेरे पास वो क्या होंगे मेरे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये मेरे सैम्पल स्पेस बनेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर भी दो केस लेकर चलते हैं, एक हम लेकर चलते हैं अपने म्यूचुअल एक्सक्लूसिव केस को, और दूसरा पर लेकर चलते हैं अपना इंडिपेंडेंट इवेंट वाले केस को। देखिए तो यानी कि यहाँ पर हम अपने दो मान लेते हैं कि इवेंट एक मेरे पास P दिया हुआ है और एक इवेंट मेरे पास Q है। तो देखिए इवेंट P को मानते हैं, तो देखिए इवेंट P जो आपको गिवन है वो ये है, एक इवन नंबर है, इवेंट P आपके पास क्या है, इवन नंबर आपके पास,
मैं मान लेता हूँ। तो क्या क्या आपके पास हो सकते हैं? 2, 4, 6। इवेंट क्यों हमारा एक ओड नंबर है, हम ये मानते हैं। देखिए कैसे, यानी कि ओड नंबर। तो देखिए ओड नंबर हमारे पास क्या होते हैं, 1, 3 और 5। अब ये देखिए, यहाँ से मैं अपना पी इंटरसेक्शन क्यों निकालता हूँ, तो मेरे पास क्या आता है, 5। यानी कि मेरे पास इन दो इवेंट में यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इस कारण से मेरा जो प्रोबेबिलिटी होगी किसकी, पी इंटरसेक्शन क्यू की, वो क्या होगी मेरी, 0। ऐसे ही हम अपना इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए अपने पास फिर से वही इवेंट पी मानते हैं, तो हमारा यहाँ पर इवेंट पी क्या लेते हैं हम लोग, वही अपना इवन नंबर मान लेते हैं। देखिए कैसे, इवन नंबर मान लेते हैं, यानी इवन नंबर हमारे पास क्या है, 2, 4, 6 है। और यहाँ पर मान लेते हैं अपना इवेंट क्यू क्या, कि नंबर ग्रेटर देन, हम मान लेते हैं यहाँ पे नंबर ग्रेटर देन 4, यानी कि नंबर आपका 4 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए क्या क्या होता है आपके पास, वो होता है 5, 4, 6, आपके पास दो ऐसे नंबर है जो 4 से बड़े होते हैं। यानी यहाँ से जब हम अपना अपना पी इंटरसेक्शन क्यू निकालते हैं, तो देखिए हमारे पास एक इवेंट ऐसा जो हमारे पास कॉमन होता है, कौन सा, 5 और 6। यानी 6 हमारे एक ऐसे इवेंट है जो हमारे पास कॉमन आता है। तो यहाँ से हम लोग अपना प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं किसकी, पी इंटरसेक्शन क्यू की, जो हमारे पास आती है 1/6। तो देखिए, यानी कि मैं यहाँ से अपना प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ इवेंट पी के होने की, तो मेरे पास आती है क्या, 3/6। और देखिए अब यहाँ पर जो मेरा इवेंट क्यू है, जो मेरा इवेंट क्यू है वो पी के बाद हो रहा है यहाँ पर। तो देखिए मेरे पास, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू डिवाइड बाय पी, मेरे पास क्या होगा यहाँ पर, वो होगा मेरा क्या कि 2/6। अब देखिए, यानी कि जो मेरा, यदि मेरा इंडिपेंडेंट इवेंट होगा, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू बाय पी शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू। और देखिए, यदि मान लो मैं फ्रेश रूप से अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू निकालता हूँ, तो वो मेरे पास क्या आती है, इसमें भी क्या है, इवेंट मेरा सेम, नंबर ग्रेटर देन 4, तो क्या होगा, 5 और 6 होते हैं, यानी कि 2/6 होते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या कि मेरा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ जो क्यू बाय पी है वो इक्वल है किसके, पी ऑफ क्यू के। आप लिख सकते हो कि पी ऑफ क्यू बाय पी इज इक्वल है मेरा यहाँ पर किसके, पी ऑफ क्यू के। तो इसका मतलब क्या, आपके पास इवेंट जो है कैसा है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। देखिए हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें ये प्रूफ करना है, हमारे पास दो इवेंट है ई और एफ, तो हमें ये प्रूफ करना है कि हमारा इवेंट ई और एफ डैश, हमारे जो इवेंट होते हैं वो भी हमारे इंडिपेंडेंट होते हैं। देखिए कैसे, यानी कि हमें ई और एफ जो इवेंट है इंडिपेंडेंट दिए हुए हैं। यानी कि हमारे पास देखिए गिवन क्या है, सबसे पहले ये लिख देते हैं हम लोग, गिवन हमारे पास कि इवेंट ई है एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, ये हमें गिवन है यहाँ पर। देखिए बात को समझिए थोड़ा सा, और हमें प्रूफ करना है क्या कि आपका जो इवेंट ई और एफ डैश है वो इंडिपेंडेंट है, ये हमें प्रूफ करना है। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर क्या प्रूफ करना हमें, यानी कि इवेंट ई एंड एफ डैश आर इंडिपेंडेंट, ये हमें प्रूफ करना है। देखिए अब कैसे, यानी कि सबसे पहले अब ये देखिए करना क्या है हमें, शुरुआत कहाँ से करें। यानी अब देखो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसका मतलब क्या है आपका कि जो प्रोबेबिलिटी होगी अब किसकी, इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ की, वो किसकी इक्वल होगी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की इक्वल होगी या नहीं होगी, यही हमारा फॉर्मूला होता है। और देखिए हम लोग सबसे पहले इसके लिए बनाते हैं क्या कि क्या होता है हमारा, ये देखो समझो, मान लो आपके पास कोई एक इवेंट ई दिया हुआ है कुछ, यहाँ पे ही हमारा ये इवेंट ई है हमारा, ठीक है, इसको मान लेते हैं अपना इवेंट ई मान लेते हैं, और हमारे पास ये दूसरा इवेंट है क्या, इसको हम लोग मान लेते हैं हमारा इवेंट एफ मान लेते हैं। अब देखिए कि ये जो पार्ट होगा मेरा, यानी ये डार्क पार्ट, ये वाला, ये पार्ट मेरा क्या है यहाँ पर, ये मेरे पास है ई इंटरसेक्शन एफ है मेरा, ये आप जानते हो। यानी जो रिमेनिंग पार्ट आपका इधर, यानी ई जो है आपका ये इवेंट ई, इसमें जो आपका रिमेनिंग पार्ट बचता है, ये आपके पास क्या बचता है, तो देखिए हमारे पास जो ये बचता है हमारे पास, आपने देखा कि ये जो बचा हुआ हिस्सा क्या है, यानी ई में से आपने माइनस कर दिया क्या,
ये वाला हिस्सा आपने ई में से माइनस कर दिया, ये हिस्सा क्या आपका इंटरसेक्शन एफ है, यानी ई माइनस आपने किया ई इंटरसेक्शन एफ किया। ऐसे ही इसमें जो आपका ये बचा हुआ हिस्सा ये क्या है कि एफ में से आपने माइनस किया क्या ई इंटरसेक्शन एफ माइनस कर दिया, देखिए क्या। तो अब जो रिमेनिंग पार्ट है यानी कि क्या, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी कि मेरा जो ये टोटल पार्ट होता है ये वाला, इसको मैं यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो मेरे पास होगी वो क्या होगी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ये वाला हिस्सा, इसका ये वाला पार्ट, यानी ये क्या होता है मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, प्लस में जो मेरे पास बचा हुआ है क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ये वाला, इसको मैं क्या लिख सकता, देखो समझो, यानी कि ई में से जब आपने ई इंटरसेक्शन एफ को घटा दिया तो आपके पास क्या बचेगा, ये वाला, ये बचेगा बस क्या कि ई इंटरसेक्शन एफ डैश बचेगा आपके पास। और ऐसे ही इधर यहाँ पे आपको क्या बचता है, ये वाला हिस्सा, ये होता है बस एफ इंटरसेक्शन ई डैश होता है। अब देखिए बात को समझिए, यानी आपने यहाँ पे देखा कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ आपके पास ई है वो ई इंटरसेक्शन एफ यानी इतना हिस्सा, और बाकी हिस्सा जो आपके पास था इंटरसेक्शन एफ वाला, इसके प्रोबेबिलिटी इन दोनों का सम होती है। बात को समझिए, यहाँ से मैं अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालता हूँ तो देखिए मुझे क्या मिलता है, वो होता है मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी कि इस वाले को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आता हूँ, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ मुझे मिलती है। अब देखिए आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू दी हुई है, उसको हम अपनी डाल लेते हैं यहाँ पे, यानी इसको मैं मान लेता हूँ अपना क्या इक्वेशन वन मान लेता हूँ, और इसको इक्वेशन टू मान लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन वन टू टू, हम इक्वेशन वन से टू में डालते हैं तो हमें से क्या मिलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यहाँ से करते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कोमा ले लेते हैं, यहाँ से हमें यहाँ से क्या मिलता है इंटू में मिलेगा हमें वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमें मिलता है यहाँ पर। तो देखिए पी ऑफ ई डॉट, अब देखिए आप जानते हो ये बात भली बात है कि पी ऑफ एफ प्लस पी ऑफ एफ डैश इज इक्वल टू कितना होता है वन। यदि आप यहाँ से पी ऑफ एफ डैश की वैल्यू निकालते हो तो क्या होता है वन माइनस पी ऑफ एफ होता है। तो देखिए इस वैल्यू को यहाँ पर हम डालते हैं तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर पी ऑफ एफ डैश ही तो हमें मिलता है, और ये हमें क्या है यहाँ पर कि पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश। तो अब देखिए यानी कि ये चीज़ आप प्रूफ कर चुके हो, ये क्या होता है आपका इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन होती है, यानी अब यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या कि इवेंट ई और जो एफ डैश होता है वो क्या होते हैं आर इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो ये आपका आंसर